की दूरी पर और लोनावाला से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सात प्रकृति के बीच अद्भुत जगह है। ये जगह पे आपको अद्भुत दो झरने में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते दूध वाले झरने का सफर। ये वाटरफॉल जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये गांव की सड़क के पास मावली होटल एक छोटा सा होटल है। इस जगह पे आप बड़ा पाव खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे बड़ा पाव मिलेंगे और भी थोड़ी सी खाने की चीज भी मिल जाएगी। और गांव के पास से सिंगल ट्रैक है जो सीमेंट की बनी हुई रोड है। कार को गांव के स्कूल के पास या सड़क के किनारे छोटे मैदान में पार्क किया जा सकता है। झरने गांव से 10-15 मिनट की पैदल दूरी पर है। मुर्गियों की आवाज सुनाई देती है। बहुत ही अच्छा लगता है ये आवाज सुनकर, क्योंकि बिल्कुल शांत जगह है। ये गांव का लास्ट घर है। हालांकि इस जगह तक जाने के लिए कोई साइन बोर्ड नहीं है रास्ते में। उसके बाद यहाँ की हरियाली देखोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैं आपको इस गांव की हरियाली दिखाता हूँ। ये गांव के खेत और हरियाली देख के मैं बहुत खुश हो गया। ये जो सामने दिख रहा है, फार्मर खेत में चावल लगा रहा है और दूसरे खेतों में से फसल भी ले रहे हैं। चावल की फसल के लिए काफी पानी चाहिए इन लोगों को, और पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को। पास में ही बड़े दो झरने हैं और बारिश भी धमाकेदार होती है, इसलिए पानी तो खेतों से भी ओवर फ्लो होता है। इतना पानी का फ्लो आता रहता है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये। ये चावल के खेत और उस जगह की आसपास की इतनी ब्यूटी है, ये देखकर मैं तो खुश हो गया। और आगे चलते हैं फल के लिए। मैं तो हमेशा की तरह अंत में यानी लास्ट ही होता हूँ, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी भी करनी है और खूबसूरत नजारे को भी जी भर के देखना है। गांव वालों से भी बात करते करते जाता हूँ। आज मंडे है, इसलिए पर्यटकों की भीड़ नहीं है। वीकेंड में तो पुणे और मुंबई से काफी लोग आते हैं, इसलिए भीड़ से बचने के लिए हमारा सफर वीकेंड के बाद यानी मंडे से ही शुरू होता है। आगे जो देख रहे हैं वही है दुधवारे वाटरफॉल। दो झरने एक दूसरे से सटे हुए, बड़े बड़े दो झरने गिरते हैं, इसलिए जुड़वा झरने से भी जाना जाता है। मैं पहुंच चुका हूँ झरने के नजदीक। ये झरने में नहाने का जो मजा है भाई, कहीं नहीं मिलेगा इतना मजा लोनावाला में। सब लोग पहुंच चुके हैं और नहाने भी लगे। झरने में मुझे बस फोटोग्राफी करनी है, तो उसके बाद जाऊंगा मैं नहाने।
पूरा ग्रुप एंजॉय कर रहा है। सही में शानदार और अमेजिंग व्यू है ये दुधीवाली वाटरफॉल का। ये जगह वाटर रैपलिंग के लिए भी सबसे अच्छी जगह है। मैं जाऊंगा अब नहाने के लिए। ये साल बारिश जमकर हुई हुई है, इसलिए झरने में पानी का फ्लो भी ज्यादा है। मेन वाटरफॉल को अगर एंजॉय करना है तो ऊपर की साइड जाना पड़ेगा, और ऊपर जाने के लिए बी श्योर टू वियर गुड क्वालिटी शूज, क्योंकि भारी बारिश में ये रास्ते और फॉल के आसपास का एरिया काफी स्लिपरी हो जाता है। सच में इतना आइसी वाटर है ये, आपको ठंड भी लगेगी, हर तरफ स्लिपरी सरफेस है। इसलिए ये वीडियो देखने से आपको अपनी ट्रिप का मैनेज कर सकते हैं और रिस्क भी कम हो जाएगा। सही में बहुत ही एंजॉय किया। बस जर्नी में एंजॉय करने के बाद हम लोग रिफ्रेश हो गए और जा रहे रिटर्न। अब जर्नी के बारे में अच्छी सी बताएंगे आपको।
सुनिए आपने ये जाने के बारे में, वहाँ जाना एक एक्सट्रीम अनुभव था। न केवल झरना सुंदर था, यात्रा भी इतनी सुंदर थी। अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए ये शानदार जगह है। वाले विलेज के पास हमने गाड़ियां पार्क की थी, वहीं हमने लंच किया और लंच करने के बाद हम जा रहे हैं आगे। तीसरा लोकेशन वो है लोहागढ़ किला।